के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को पावर लिफ्टिंग का हब भी कहा जाता है। यही वजह है कि इंदौर में देश भर के पावर लिफ्टर जमा हुए हैं। इंदौर से फेडरेशन कप पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2019 का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत शुक्रवार शाम से हुई। यह चैंपियनशिप 22 दिसंबर तक चलेगी। मध्य प्रदेश पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन एवं श्रीराम स्पोर्ट्स ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में पावर लिफ्टिंग इंडिया के मार्गदर्शन में 20 से 22 दिसंबर को श्रीराम जिम श्रीराम स्पोर्ट्स ग्रुप कैंपस पर फेडरेशन कप की शुरुआत हुई, जिसमें एशिया पैसिफिक एवं एशियन चैंपियनशिप के लिए टीम का चयन किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में विधायक महेंद्र हाड़िया, कृष्ण मुरारी मोघे, पूर्व महापौर भरत शर्मा, केंद्रीय संस्कृति के सदस्य एसके सांख्यान, महाप्रबंधक यूको बैंक एवं एलआर के रेडी जोनल मैनेजर नोकाफिक ने पावर लिफ्टिंग इंडिया के महासचिव पीजे जोसेफ, रतन बासक कोषाध्यक्ष आदि कई लोगों ने शिरकत की। जी, ये पूरा फेडरेशन कप पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हो रहा है, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर की एक प्रतियोगिता है, और इसमें पूरे भारतवर्ष से करीब 125 खिलाड़ी यहाँ पे हिस्सा लेने आए हैं, और यहीं से जो है एशिया टीम सेलेक्ट होगी, जो दुबई में अभी आगामी दुबई में जो पावर लिफ्टिंग होने वाला है उसका भारत का प्रतिनिधित्व। जी देखिए, खास करके यहाँ पे पावर लिफ्टिंग की बहुत सारी संस्थाएं काम करती है, और लगातार इंदौर में इस खेल को प्रोत्साहन मिलता जा रहा है, और खास करके श्रीराम क्लब स्पोर्ट्स क्लब ये लगातार खेल की गतिविधियाँ संचालित करता रहता है, और आज वार्सो में बड़ी हर्ष की बात है कि एक नेशनल चैंपियन राष्ट्रीय चैंपियनशिप यहाँ संपन्न होने जा रही है। इंडिया टीम का चयन होगा, मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।